मूवी की स्टार्टिंग में हम सांतो नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा अमीर था। आज वो अपने फ्रेंड पेंडलोप से मिलने के लिए आता है। पेंडलोप कार का बिजनेस करता था। सांतो पेंडलोप से बात कर रहा था तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और सांतो को धमका कर उसे एक वीक का समय देकर वहां से चले जाते हैं। इन गुंडों ने उसे किस चीज का समय दिया था यह हमें बाद में पता चलेगा। जब ये गुंडे सांतो को धमका कर वहां से जा रहे थे तो सांतो पीछे से कहता है कि सब मरेंगे। अब हमें सांतो की पूरी स्टोरी समझ में आएगी कि एक नॉर्मल पर्सन से गैंगस्टर कैसे बना। सांतो ही अपनी खुद की स्टोरी नरेट करते हुए हमें मूवी में बताएगा। फ्लैशबैक में स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यंग सांतो अपने मॉम डैड अपने ब्रदर के साथ बोशियानो में रहता था। सांतो के फादर इससे पहले कुछ गलत काम करते थे। सारी गलत चीजों को उन्हें छोड़ देना था, इसी वजह से वो बोशियानो में आके वहां पर वो एक न्यू काम शुरू करते हैं और अपने फैमिली के साथ रह रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम पूरी फैमिली को डिनर करते हुए देखते हैं। सांतो के फादर स्मोक कर रहे थे। सांतो भी उन्हें कॉपी करते हुए बहुत ही स्टाइल से सिगरेट पी रहा था। फादर उस पर गुस्सा हो गए और उसे स्लैप कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में सांतो और उसका फ्रेंड फ्रांस एक शॉप में कुछ खरीद रहे थे। वो अपने सामने गैंगस्टर को देखते हैं। सांतो जब उस गैंगस्टर को देखता है तो गैंगस्टर की लाइफस्टाइल से वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गया था। वो फ्रेंड से कहता है कि इनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी होती है, बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए इन्हें पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पर सांतो स्पाडा फोरा को देखता है जो उस समय का शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। सांतो भी उसी की तरह बनना चाहता था। नेक्स्ट सीन में हम सांतो की फैमिली को मेरिंगेला की फैमिली के साथ देखते हैं। वो दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे क्योंकि एक ही शहर में वो रहा करते थे। आज सांतो और मेरिंगेला के मैरिज के बारे में बात हो रही थी। मेरिंगेला को तो सांतो बहुत पसंद था पर सांतो उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अब सांतो को न्यू ईयर के दिन घर पर ही रहना था क्योंकि मेरिंगेला की फैमिली डिनर के लिए उनके घर पर आ रही थी। इस बात के बारे में सांतो के डैड उसे स्पेशली बता देते हैं। सांतो को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से सांतो अपने फ्रेंड फ्रांस के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया। इस बात से उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सांतो को बहुत भला बुरा कहने लग गए। पैरेलल में सांतो और फ्रांस कुछ लड़कियों को अप्रोच करते हैं पर उन्हें कुछ भी भाव नहीं मिलता। इसके बाद वो सेक्स वर्कर के पास गए। इसी मूवमेंट से सांतो की गैंगस्टर की जर्नी स्टार्ट होती है। वो जब वो सब कर रहे थे तभी वहां पर पुलिस आ गए। वहां पर पास में एक चुराई गई स्कूटी थी तो पुलिस समझ गए कि सांतो नहीं चुराई होगी। उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। सांतो को डायरेक्टली 4 महीने की जेल हो जाती है। सांतो के पेरेंट्स के घर पर कॉल लगाया जाता है। जो भी सिचुएशन है ये सब कुछ बताया जाता है। सांतो के फादर ने पुलिस ऑफिसर का कॉल कट कर दिया। नेक्स्ट टाइम उन्होंने उनसे कहा कि वो किसी भी सांतो को नहीं जानते। सांतो के डैड उसकी हरकतों से नाराज थे और नहीं जानते थे कि सांतो अब उनके साथ रहे। ये बात सांतो भी समझ गया था। अब सांतो के पेरेंट्स उससे बात नहीं कर रहे थे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में सांतो स्लिम नाम के एक दूसरे क्रिमिनल की सेल में था। सेल ने अभी अभी चोरी की थी और इसी वजह से वो जेल में था। स्लिम को अपने सेल में किसी का होना अच्छा नहीं लगता था तो सांतो पर वो गुस्सा था। वो सांतो को बहुत बुरी तरीके से मारता है। सांतो को फिर ट्रीटमेंट लेने के लिए भेज दिया गया। सांतो की ट्रीटमेंट वो नर्स कर रही थी जो पहले उसे लाइक करती थी। जेल में जब सांतो जा रहा था तो उसी नर्स ने उसे स्माइल दिया था। उसे अट्रैक्टेड थी और सांतो को भी वो पसंद थी। बातों बातों में उन दोनों में बातें आगे बढ़ने लग गई। वो सांतो को टच करने लगती है। रात में सांतो उसे ही इमेजिन कर रहा था। सांतो खुद को प्लीज कर रहा था तो स्लिम ने ये बात पकड़ ली। इसके बाद उन दोनों में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है। जल्दी सांतो और स्लिम में दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अब जेल से निकलने के बाद दोनों अपनी दोस्ती को कंटिन्यू करते हैं। एक साथ मिलकर बहुत सारी चोरियां करने लगते हैं। धीरे धीरे वो दोनों भी प्रोफेशनल गैंगस्टर बनने लग गए थे। एक दिन दोनों मॉल में घुसकर चोरी करे थे। दोनों पैसे लेकर भाग रहे थे तभी उन्होंने वहां के गार्ड को मार दिया। वहां से भागने के लिए पेंडलोप उन दोनों की मदद करता है। रात में फिर तीनों मिलकर एक बार में गए। सांतो को बार की डांसर बहुत ही अच्छी लगती है। सांतो फिर उसके साथ रात बिताता है। सांतो भी कुछ डांसर्स के साथ था। सांतो को अब कुछ बड़ा करना था। एक दिन एक रेस्टोरेंट में स्पाडाफोरा को काम के लिए वो अप्रोच करता है। वो शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। स्पाडाफोरा ऑलरेडी सांतो को जानता था इसलिए उसे बैठने देता है। सांतो को क्या क्या करना है ये सारा प्लान उसे समझाता है। इसके बाद स्पाडाफोरा ने उसे काम पर रख लिया। स्पाडाफोरा उसे एक बैंक से एक डायमंड लूटने का काम देता है। नेक्स्ट सीन में फिर सांतो पेंडलोप और स्लिम ये बैंक के बाहर ऑफिसर्स की ड्रेस में हम देखते हैं। सांतो और स्लिम बैंक के अंदर जाते हैं और पेंडलोप बाहर नजर रखता है। कुछ देर में सांतो और स्लिम पूरा बैंक लूट कर बाहर आ गए और वहां पर रियल ऑफिसर्स खड़े थे। उन्हें कुछ सस्पिशियस लगता है इसलिए वो बैंक की तरफ बढ़ने लग गए। पेंडलोप जल्दी से उन दोनों को बाहर बुलाता है। ऑफिसर्स और इन तीनों के बीच में शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। सांतो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से भागने लगता है। ऑफिसर्स ने काफी दूर तक इन तीनों को फॉलो किया पर उन्हें वो पकड़ नहीं पाए। उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया था और तीनों बहुत ही खुश थे। स्पाडाफोरा खुश होकर सांतो को एक डायमंड गिफ्ट देता है।
नेक्स्ट डे शांतो अपने बाकी फैमिली और फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। शांतो की नजर मलिंगा पे पड़ती है और शांतो पहली बार ही मलिंगा को देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है। पहले तो शांतो ने मलिंगा को काइंड ऑफ रिजेक्ट किया था, लेकिन अब उसे पसंद आती है। अब वो काफी बदल चुकी थी और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। शांतो फिर मलिंगा से बात करता है। मलिंगा को तो शांतो पसंद ही था और दोनों में बहुत अच्छी बातें होती है। वहां पर शांतो का ब्रदर आया। ब्रदर एक चैलेंज में हार गया था और कुछ लोगों ने उसे बहुत पीटा था। शांतो उन लोगों का नाम अपने ब्रदर से पूछता है। ब्रदर कहता है कि वो लोग कोई और नहीं तो स्पार्टाफोरा के आदमी थे। शांतो तो स्पार्टाफोरा के लिए काम करता था। अब शांतो डिसाइड कर लेता है कि अब वो खुद के लिए काम करेगा, अपना खुद का नाम बनाएगा। वो फिर खुद से ही किडनैपिंग स्टार्ट कर देता है। स्लोली स्लोली शांतो का नाम अलग अलग किडनैपिंग्स की वजह से न्यूज में आने लग जाता है। वो बहुत जल्दी मिलान शहर के फेमस गैंगस्टर में शामिल हो जाता है। शांतो अब भी उसके ब्रदर को किसी ने मारा था इस बात से बहुत गुस्सा था। एक दिन वो प्लान बनाता है और स्पार्टाफोरा जब अकेला था तो उसे शूट कर मार डालता है। इसके बाद क्लियरली शांतो शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया था। स्पार्टाफोरा को मारने के बाद शांतो मलिंगा के पास गया। वो दोनों वहां पर इंटीमेट हो जाते हैं। शांतो डिसाइड कर लेता है कि उसे मलिंगा के साथ शादी करनी है। नेक्स्ट डे शांतो और मलिंगा की शादी थी। शांतो के वहां पर फ्रेंड्स और फैमिली सब आए थे। शादी होने से पहले पुलिस शांतो को पकड़कर लेकर जाती है। हमें पता चलता है कि शांतो को जो डायमंड स्पार्टाफोरा ने दिया था वो चुराया हुआ था और इसी वजह से पुलिस उसे फाइंड कर रही थी। जिस ज्वेलर के यहाँ पर उन्होंने उसे सेल किया था उस ज्वेलर ने शांतो का नाम पुलिस को बता दिया था। शांतो को पकड़कर फिर पुलिस वहां से लेकर जाते हैं। जब वो जेल जा रहा था तो हमें पता चलता है कि मलिंगा प्रेग्नेंट है। शांतो को ले जाते हुए सब किसी तरीके से ग्रुप फोटो लेते हैं। शांतो को फिर पुलिस लेकर गए। शांतो वहां पर भी फनी चीजें कर रहा था। शांतो फिर कुछ साल बाद जेल से रिलीज हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि मलिंगा को बेटा हुआ है और अब वो फादर बन चुका है। शांतो अब एक न्यू बिजनेस ट्राई करना चाहता था, इसलिए अब वो रियल इस्टेट के क्राइम में इंटर करता है। उसके वे में आने वाले हर एक आदमी को मार डालता है और इसी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा था। मलिंगा को इस सब चीजों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, पर उसे शक हो रहा था कि इतने कम समय में शांतो इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा रहा है। शांतो ने एक घर बाय किया, इसमें वो मलिंगा को लेकर आया। वो उसे बहुत पसंद आता है। अपने नए घर के बारे में बात करने के लिए वो पैंटेलियन के पास आया। वहां पर उसे शोरूम में अनाबेल नाम की लड़की दिखती है। उसे फर्स्ट टाइम देखते ही उसे अट्रैक्टेड हो गया था। अनाबेला ने वहां एक गाड़ी तोड़ दी थी और इसी वजह से एक आदमी उस पर चिल्ला रहा था। शांतो उनके बीच में आ जाता है और उस आदमी को मारकर वहां से भगा देता है। शांतो यहाँ पर अनाबेला की मदद कर उसकी नजरों में अच्छा आदमी बनने की कोशिश कर रहा था। शांतो ने अनाबेला को अप्रोच करने से पहले अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल रखी थी ताकि अनाबेला को उसकी मैरिज के बारे में आइडिया ना हो। वह अनाबेला से बात करने लग गया। उसे पता चला कि अनाबेला का पेंट का बिजनेस है। वो कहता है कि मेरे भी घर को पेंट करना है, क्या तुम इसके लिए मुझे हेल्प करोगे? अनाबेला उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। उसे कहती कि मेरा मैनेजर तुम्हें अप्रोच करेगा। इसके बाद वो वहां से चली गई। नेक्स्ट दिन हम शांतो और अनाबेला को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। शांतो अनाबेला की बॉडी की तरफ ही देख रहा था। जब वो जा रही थी तब भी उसे ही घूर रहा था। शांतो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। अनाबेला उसके क्लोज आके उसके पॉकेट से उसकी वेडिंग रिंग निकाल देती है। उसे कहती है कि घर जाने से पहले इसे पहन लेना। अनाबेला को पता था कि शांतो मैरिड है, पर फिर भी उसके साथ वो एंजॉय कर रही थी। पैरेलल में मलिंगा को देखते हैं जो शांतो से अब फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। शांतो काफी रात घर पर नहीं आता था और उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। मलिंगा को शक आता है कि शायद शांतो ड्रग्स का बिजनेस करने लग गया है। शांतो एक्चुअल में अब वही करना चाहता था। वो ड्रग्स के बिजनेस में आता है और अच्छे से सप्लायर से क्वालिटी की हीरोइन वो बाय करता है। अपनी सिटी में अपने सप्लायर को सेल कर देता है। इससे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। वो मलिंगा के साथ अब चीट करने लग गया था। वो रात अनाबेला के साथ ही बिताता था। मलिंगा पूरी पूरी रात उसके लिए वेट करती रहती थी। शांतो अनाबेला और अपने इलीगल बिजनेस में पूरी तरीके से डूब गया था। अनाबेला से उसे फिजिकल प्लेजर मिल रहा था और अपने बिजनेस से उसे फाइनेंशियल प्लेजर। शांतो के बिजनेस के बीच में गैंगस्टर आ रहा था। उसे खत्म कर अपने बिजनेस में सब कुछ इसे नॉर्मल करना चाहता था। इसके बारे में अपने दूसरे पार्टनर से वो बात करता है। उसे पता चलता है कि अगर उस गैंगस्टर को मार देता है तो खुद फंस सकता है। शांतो फिर डिसाइड कर लेता है कि मर्डर वो स्लिम के हाथों करवाएगा। आगे चलकर कोई हार्म हुआ तो उसमें वो फंसेगा नहीं। इस सब में वो स्लिम को फ्रेम करना चाहता था क्योंकि अब इस बिजनेस में स्लिम उसे कुछ ज्यादा फायदा कर नहीं दे रहा था। स्लिम खुद ड्रग से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया था और इसी वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम मलिंगा को अपने घर में एक फादर को बुलाते हुए देखते हैं। वो चाहती थी कि फादर उसकी फैमिली को ब्लेस करे। वो शांतो को फिर से वापस पाना चाहती थी।
वो चाहती थी कि फिर से सांतो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। सांतो जाकर स्लिम से मिलता है और उसे कन्विंस करता है कि गैंगस्टर को जाकर तुम्हें मारना पड़ेगा। स्लिम ये सब करना नहीं चाहता था, पर ना चाहते हुए सांतो की बात उसे माननी पड़ती है। पैरेलल में मरिंगला अपने बालों को काट लेती है। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने कुछ सैक्रिफाइस किया तो सांतो और उसके सीन्स ये सारे धुल जाएंगे। अपने सैक्रिफाइस की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सांतो जब मरिंगला की ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और उसने उसे डायरेक्टली स्लैप कर दिया। अब स्लिम उस गैंगस्टर को मारने का प्लान बनाता है और यहाँ पर ट्विस्ट था। सांतो उस गैंगस्टर के साथ स्लिम को भी मारना चाहता था, इसी वजह से उसने उसे काम दिया था। जिस गैंगस्टर को मारना चाहते थे वो गैंगस्टर खुद से ही मर गया। सांतो फिर अपने गैंग मेंबर की मदद लेकर स्लिम को मार डालता है। वैसे भी अब पार्टनरशिप में सांतो को काम करना ही नहीं था तो उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। सांतो ने अब एनाबेला के साथ शादी करने का डिसाइड कर लिया था, इसके लिए उसे वो प्रपोज करता है। एनाबेला इसे सरप्राइज हो गई और उसे किस करने लग गए। वो इस मैरिज को एक्सेप्ट कर लेती है। सांतो अपने बड़े बेटे के जरिए मरिंगला तक एक मैसेज पहुंचाता है। उसे कहता है कि अब वो फैमिली के साथ नहीं रहेगा, वो अब एनाबेला के साथ ही रहना चाहता था। ये बात सुनकर मरिंगला को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मरिंगला एनाबेला से मिलने के लिए गई। उसे कन्फ्रंट करती है, कहती कि सांतो एक गैंगस्टर है। वो कहती कि तुम जैसा सोचते हो वैसा सांतो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो सब कुछ इलीगल चीजें करता है। अब जब तुम सांतो के साथ हो तो उसके हर एक इलीगल चीज में तुम उसकी पार्टनर हो, अब मैं उसके साथ नहीं रहने वाली। ये सब कहकर वो वहां से चली जाती है। एनाबेला को रियलाइज होता है कि वो बहुत गलत थी। नेक्स्ट सीन में सांतो जब एनाबेला के घर पर आता है तो वहां पर एनाबेला को आवाज देने लग गया, पर वो वहां पर नहीं थी। वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद सांतो अपनी गलती रियलाइज करता है, अपने फैमिली के पास वो वापस आ गया। अब इसके बाद मूवी के स्टार्टिंग में हमने जो सीन देखा था वही हम देखते हैं। कुछ लोगों ने आकर सांतो को मारा था और उसे एक वीक के लिए समय दिया था। सांतो को अपने बिजनेस में आजकल थोड़ा सा लॉस हो रहा था, इसी वजह से उन लोगों ने बिजनेस से उसे निकालने के लिए धमकी दी थी। सांतो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हीं सब लोगों को मार डालता है। इन क्राइम्स की वजह से सांतो को पुलिस ऑफिसर पकड़कर लेकर जाते हैं। मरिंगला फिर उसे मिलने के लिए आई। उसे बातों बातों में वो बता देती है कि एक दूसरे शहर में तुम्हें वो ट्रांसफर करने वाले हैं, वहां पर हमारे लॉयर्स तुम्हें छुड़वा लेंगे। सांतो जब इस शहर का नाम सुनता है तो उसे रियलाइज हुआ कि मरिंगला उसे उसी शहर में डालना चाहती है जहां पर सांतो के बहुत सारे एनिमीज है। अगर उस जेल में जाता है तो उसकी डेथ हो जाएगी। सांतो ने मरिंगला पर जो चीट किया था इन्हीं सब चीजों का अब वो बदला ले रही थी। सांतो इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी मेंटल कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। उसे कुछ भी कर इन सब चीजों से निकलना था। उसे पता था कि अपने सारे इलीगल चीजों के बारे में अगर वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है तो उसे फिर छोड़ दिया जाएगा। उसने फिर पुलिस के साथ इसी के बारे में बात की और सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे दी। सारे उसके पार्टनर, सारे क्रिमिनल्स और उनके साथ साथ पेंटेलॉग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट फिर उसे छोड़ देती है। जेल से छूटने के बाद हम सांतो को एक रैंडम सी लड़की के साथ देखते हैं। उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। हमें यह भी पता चलता है कि सांतो अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता है। उस लड़की के साथ वॉक पर चला जाता है। वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने वाला था और इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। हमेशा सांतो उसके पास जो चीज थी इसे सेटिस्फाइड नहीं था, उसे और कुछ चाहिए था और इसी वजह से उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फाइनली सब कुछ खोने के बाद अब एक नई स्टार्ट वो करना चाहता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।